हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एडिफाई कीप्स इट्स प्रॉमिसेस। लास्ट सैटरडे एक चीज़ डिसाइड हो गई थी कि जी नेक्स्ट सेशन में आपके साथ एडिफाई की टीम मौजूद होगी। आज पूरी एडिफाई टीम यहाँ पे मौजूद है। लास्ट सेशन में हमने बात करी थी टीम वर्क की, तो उसी चीज़ को हम जो है वो आगे लेके चलेंगे। मुझे माइकल जॉर्डन का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कोटेशन याद आ रहा है। माइकल जॉर्डन वॉज एन अमेरिकन फुटबॉलर, एक्चुअली फुटबॉलर, आई थिंक अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई थिंक सो। बहरहाल वो ये कहते हैं कि टैलेंट हेल्प्स यू टू विन द गेम। आपका टैलेंट आपको कोई गेम जितवाने में तो मदद कर सकता है, बट अ टीम हेल्प यू टू विन द चैम्पियनशिप। आप एक टीम के साथ एक चैम्पियनशिप जीत सकते हैं, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के साथ जो है वो अपनी अपने किसी गेम को जो है वो विन कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा था इस बात से कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है टीम की, टीम वर्किंग की। उस बारे में हम एक एक करके अपने तमाम टीचर्स की राय लेंगे। मैं सबका शुक्रिया अदा करना भूल गया कि जी आज सब यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ा बिजी शेड्यूल है सब लोगों का। वाह, माशाल्लाह मिल्स चल रही हैं सब लोगों की यहाँ पे, उनमें से टाइम निकाला आपने हमारे लिए। बहरहाल अच्छा जी, सर मुर्तजा, वेरी ऑनरेबल सर मुर्तजा, सर इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, सर मैं चाहूँगा कि आप इसको जो है ना वो थोड़ा सा स्टार्ट करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले वीक भी बात हुई थी इस पे, टीम वर्क पे काफ़ी अपनों ने, दोनों ने इस पे बात की थी। बिल्कुल, आज जो है वो टीम वर्क पे आपसे सल्लम की हदीस से स्टार्ट करते हैं कि आपसे सल्लम कि मुसलमान कौम जो है वो जिस्म की तरह है, तो जिस्म के किसी भी हिस्से को अगर तकलीफ दी जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है। तो ये क्या है, ये हदीस भी यही बता रही होती है कि पूरी कौम को एक टीम की तरह लेके चलो। हमारा पूरा मज़हब इस्लाम इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपको एक टीम की तरह लेके चलना है। सही। अच्छा, इस्लाम हमारे मज़हब में नहीं है, बाइबल में देखो तो बाइबल में आपको बेशुमार इस तरह की वर्सेस मिलेगी जिसमें टीम पर जोर दिया हुआ है। करेक्ट, टीम लेके चलोगे तो कामयाब होगे, अगर टीम नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। तो टीम को लेके लाजमी चलना है। एक छोटी सी एक्टिविटी हो रही थी, किसी ने टीम वर्क का किया, तो वो एक्टिविटी मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे अब एक्टिविटी ये थी कि उन्होंने भाई टीम वर्क समझाने की कोशिश की, 10-12 बंदों को बुला लिया और उनसे कहा कि उनके सामने जो है 10 प्लेटें रख दी, हर प्लेट में एक एक गुलाब जामुन रख दी। उनको कहा कि ये तुम्हें भी खानी है, शर्त यह है कि तुम्हें अपना अपना हाथ बेंड करना है, ना तुम्हें झुक के खानी है। ठीक। और गुलाब जामुन रख दिए, वो जो भी अगर हाथ झुक बेंड करेगा तो वो फौरन गेम से आउट हो जाएगा। अब पहले आदमी ने जल्दी सी करी, वो गुलाब जामुन उठा के तो खा ली, मगर उसने हाथ क्या कर लिया, बैंड कर ली। अब बाहर हो जाओ। और दूसरे जो बैठे हुए वो भी आप देख रहे, तो बड़ा मसला हो गया। तो तकरीबन 5-6 आदमियों ने काफ़ी कोशिशें की मगर नहीं कर सके। दो आदमी ये खड़े हुए देख रहे थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा काम। एक ने कहा मैं आपको खिलाता हूँ, तुम मुझे खिला रहा। उसने हाथ उठाया और ऐसे उसको खिला दिया और उसने उसको खिला दिया। ये क्या है, ये मतलब टीम वर्क से इंसान बहुत सारी परेशानियाँ जो है, जब भी परेशान होता है तो टीम वर्क ही उसको बाहर निकाल सकते। करेक्ट। तो टीम वर्क कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, पूरा सिस्टम टीम वर्क के थ्रू चल रहा है। हेलन केलर जो एक नाबीना औरत थी, उसको ना सुनता ना अपने बोल सकती है ना वो देख सकती है, वो कह रही है टीम वर्क के बारे में कि इंसान अकेला तो कुछ कर सकता है, अगर बहुत कुछ करना चाहता है तो फिर उसको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। एक दानिशवर है, उसने एक मुकालमा लिखा है 5 उंगलियों के बारे में ना, कि 5 उंगलियाँ कैसे टीम वर्क बता रही है। अबाउट द 5 फिंगर्स, इससे टीम वर्क रिलेट किया। ठीक सर। उसने कहा कि भाई ये 5 उंगलियाँ आपस में कभी एक बार जैसे लड़ने लग गई कि भाई पावरफुल कौन है। अच्छा। ये उंगली कह रही मैं पावरफुल हूँ, ये कह रही मैं पावरफुल हूँ, अंगूठा कह रहा मैं पावरफुल हूँ। तो सबसे पहले तो इन चारों ने इस छोटी उंगली को कहा तुम तो साइड में हो, तुम छोटी से तुम्हारी क्या औकात। अब इस उंगली ने कहा मेरी क्यों नहीं औकात, किसी से भी माफ़ी मांगनी हो तो सबसे पहले मैं मिलूँगी, शर्त कोई लगानी है तो मेरा किरदार मैं सबसे पावरफुल हूँ। इसने कहा, इस उंगली ने कहा रहने दो, अंगूठी मुझे पहनाई जाती है, रानी तो मैं हूँ तुम्हारी, और तुम कैसे पावरफुल हो। बीच वाली ने कहा मैं सबसे लंबी हूँ भाई, तुम तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम चारों में सारे मेरे बाल आते।
इसने कहा रहने दो, शहादत की उंगली तो मैं हूँ, मेरे बगैर कैसे चल सकते हो। सही। अब ये चारों की बातें अंगूठा सुन रहा था। अंगूठे ने कहा माफ करना मेरी बहनों, मैं भी बोलता हूँ, मैं भी कुछ बोलता हूँ, मेरे बगैर तो तुम बटन नहीं लगा सकते, नल तो बंद करके दिखाओ मेरे बगैर। तो इन चारों उंगलियों ने अंगूठे से कहा कि अच्छा मतलब इसका मतलब तुम पावरफुल हो। तो अंगूठे ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं पावरफुल हूँ, ना मैं ये कह रहा तुम पावरफुल हो, हम पावरफुल है, ना मैं पावरफुल हो ना तुम पावरफुल है, हम पावरफुल है। अगर हम पांचों मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम पांचों अलग हो जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो है वो टीम वर्क की अहमियत बताई, एक सिर्फ पांचों उंगलियों की मिसाल देगी उसने, किस तरह जो है वो एक टीम वर्क की अहमियत समझाई, टीम वर्क की अहमियत कि अगर इसी तरह हम सब अपने एक साथ काम करेंगे तो जब भी हम आगे चल सकते, यही टीम वर्क की अहमियत। इसी तरह बेशुमार है इसकी एग्जांपल्स, एक दो मैंने शेयर किए इसका, तो ये टीम वर्क की इम्पोर्टेंस कुछ बयान की। सही, ठीक सर, बड़ी ज़बरदस्त आपने ये इम्पोर्टेंस जो है वो अहमियत काफ़ी हद तक जो है वो आगे चली तो गई होगी, हमारे व्यूवर्स तक उनको ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी। अच्छा जी सर, वैसे आपकी बारी, ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी देर से आप हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सर की बातों को, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या ऐड करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क के हवाले से। सर सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले जो है ना मैं टीम एडिफाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सब ने जो है मुझे एक चांस दिया और अपनी टीम के अंदर शामिल किया और मुझे इस लाइक समझा। बहुत बहुत शुक्रिया बारा, थैंक यू बोलने से कुछ भी नहीं होगा, हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, इसके बाद का डिनर आपकी तरफ से, इसके बाद का ज़रूर करवा देंगे। तो दूसरी बात ये कि टीम वर्क के ऊपर जो हमने आज बात की है, तो टीम जो है ना बेसिकली मुझे अब तक जो फील हुआ है आप लोगों के साथ काम करके, जितना भी मैंने आप लोगों के साथ काम किया है, कि हर बंदे की लाइफ में ना एक टीम ज़रूर होनी चाहिए जो उसकी नेगेटिव और उसकी पॉजिटिव बात दोनों को हाईलाइट करे, जो उसको इनकरेज करे, उसको आगे बढ़ाए, उसको सपोर्ट करे हर बात का, और ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक जो है ना किसी भी एक पर्सन को उसकी नेगेटिव बातें उसकी पॉजिटिव बातें पता नहीं चलेंगी ना, तब तक वो आगे कुछ काम नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात, दुनिया में कामयाब होने के लिए भी जो है ना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी टीम वर्क की। सही। आज हम लोग देखते हैं कि फैक्ट है पूरी दुनिया का आज सबसे कामयाब इंसान कौन है, बिल गेट्स। ठीक, तो बिल गेट्स कामयाब क्यों है ये तो हमने मान लिया कि उसने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट, मगर उस माइक्रोसॉफ्ट को अभी चला रही है वो उसकी टीम चला रही है। करेक्ट, पूरी जो उसकी टीम है वो पूरे उसके पीछे काम कर रही है, तभी तो बिल गेट्स आज पूरी दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना हुआ है। बिल्कुल, ये एक ऐसी बिल्कुल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूँ, बिल गेट्स का जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त कोट है कि इफ़ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर, गो टुगेदर। मतलब कि अगर आप आगे बढ़ना आगे चाह रहे हैं तो ठीक है, आप तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अकेले बढ़ो, मगर आप बहुत दूर तक जाना चाह रहे हैं उसी तेजी के साथ, बहुत दूर तक जाना चाह रहे हो तो एक पूरी टीम की जरूरत पड़ेगी, आपको एक पूरी टीम, और वो पूरी टीम ही जो है ना आपको एक पूरा बैकअप प्रोवाइड करती है, आपको सपोर्ट करती है। बिल्कुल यही चीज। और दूसरी एक और चीज आपने देखा होगा, हमारा अपने कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान की, ठीक, कि हमारा मुल्क, हम जानते हैं कि हमें किरदार तो माशाल्लाह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया है पाकिस्तान को आज़ाद, मगर उस हमारे कायद के साथ भी जो है ना पूरी की पूरी एक टीम थी। सही। उनके साथ भी जो है ना सबके सब पीछे उनके साथ हेल्प की थी, उनके साथ स्ट्रगल किया, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया, तब जाके जो है ना आज हम अपने इस वतन के अंदर आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। तो ये जो है ना एक टीम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किरदार होता है, और यही बातें होती है कि एक पूरी टीम जो है ना जब एक किसी को सपोर्ट करती है ना तो वो बिना किसी डर पूरी के टीम जो है ना, जब अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि एक दूसरे को जब सपोर्ट एक दूसरे करती को है जब तो सपोर्ट करती है तो बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा इसका बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट जाता है। तो बिल्कुल यही बात मैंने आपको करना चाहिए थी। सही सर, ये बताएं सर नाश्ते में कितने बादाम खाए थे आज आप? सर नाश्ते में तो बिल्कुल भी नाश्ता करके लिया है, माशाल्लाह आप नॉन स्टॉप बोले, बड़ी जबरदस्त किस्म की आपने बातें करी है, इंस्पायर होना चाहिए आपकी उम्र के लड़कों को आपको देखते हुए। अब बहरहाल अगर यहाँ पे बड़ी एक ओएस, मुझे भी एक बड़ी ज़बरदस्ती लाइन याद आ रही है सर वलीद, आप ज़रा सुनिएगा इस चीज़ को कि जी टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, आपके ख्वाबों की तरफ जो है ना वो आपको चीज़ लेके जा रही है। ओएस ने बात करी टीम वर्क की, सर अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि टीम में
काफ़ी सारे लोग होंगे। हाँ, अब हर एक इंडिविजुअल के किरदार की तरफ अगर हम आए, यानी कि हम सबके रोल को यहाँ पे बताने की कोशिश करें, तो सर वो किस तरह से इस चीज़ पे एडिशन मैं आपसे चाहूँगा सर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। ये सर शुक्रिया मुझे या हुआ इसको? नहीं, सबका ही शुक्रिया, सभी मौका दिया। अब मैं बोलूँगा तो सब खामोश बैठे हैं, तो सबका ही शुक्रिया कि आप खामोशी से बैठ के सुनेंगे जी। तो देखें, रोल आपने बात की है इंडिविजुअल्स की, ठीक है, टीम में जितने मुख्तलिफ लोग हैं उनका क्या किरदार है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है रोल में, टीम में। तो उसके लिए एक कोट से बात काफ़ी हद तक समझ आ सकती है। कोट बड़ा बड़ा शानदार कोट है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज ईच इंडिविजुअल एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम इज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज अ टीम इज अ टीम। यानी एक टीम का जो स्ट्रेंथ है वो हर एक इंडिविजुअल है जो कि टीम में मौजूद है। टीम की ताकत उसका हर एक मेंबर है, हर एक मेंबर है, और जो हर एक मेंबर है उसकी ताकत पूरी टीम है, ताकत पूरी टीम, इंटरलिंक दोनों, इंटरलिंक है दोनों आपस में। कि अगर टीम को, टीम की स्ट्रेंथ अगर आपने देखनी है तो आप इंडिविजुअल्स को देखें, और इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ आपने देखनी है तो टीम को देखें। सही। इसकी एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ सकती है कि यार ये शर्ट मैं पहना हुआ, ठीक है, ये शर्ट मुझे, मैंने इस शर्ट को पहनने के लिए क्या किया, मैं जाके मार्केट से परचेज करके लाया, घर पे लाके दी, इस्त्री हो गई और मैंने पहन ली। लेकिन इस शर्ट को तैयार होने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ा। सही। एक धागा होगा, धागे से कपड़ा बना होगा, वो कपड़ा डाया हुआ होगा, उसकी कटिंग हुई होगी, फिर वो स्टिच हुआ होगा, उसके बाद मार्केट आया होगा। सही। होलसेलर से फिर रिटेलर से मैं खरीद कर लाया। लेकिन अगर मैं इस बीच में से एक प्रोसेस को भी माइनस कर दूं तो मैं ये शर्ट नहीं पहन सकता था। एग्जैक्टली, ये शर्ट मैं नहीं पहन सकता था। तो पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत और बहुत सारे लोगों का किरदार है इस शर्ट के पहनने के बीच में, पीछे टीम वर्क मौजूद है। तो जो इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, तो हर इंडिविजुअल एक मेंबर की इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी शर्ट का बनने के लिए एक प्रोसेस की इम्पोर्टेंस थी। सही। अगर शर्ट का कपड़ा नहीं कटता तो शर्ट नहीं सलती। तो इसी तरीके से हर टीम के अंदर इतनी इम्पोर्टेंस ये एक मेंबर की है जितनी इम्पोर्टेंस किसी भी एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए बीच में एक प्रोसेस की होती है। सही। ठीक है, और इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना एक टीम का मेंबर एक टीम के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन तमाम मेंबर्स की आपस में कोलैबोरेशन की है, अंडरस्टैंडिंग की है कि आपस में जो मेंबर्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। सही। लोग टीम में 8-10 लोग हैं तो आपस में एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना कोलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक चीज़ होती है कोऑपरेशन करना, ठीक है, कि भाई आपने सेक्रीफाइस कर दी बात। सही है, मैं कह रहा हूँ ग्रीन कलर होना चाहिए, ओवैस कह रहा है ब्लू कलर होना चाहिए, हम दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। ओवैस कह रहा है ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो चलें ग्रीन ही करा लेते हैं, लेकिन क्यों ना यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला जाए, चलो यार ब्राउन करके देख लेते हैं। ठीक, ये मतलब कोलैबोरेशन है कि चलो यार ब्राउन करके देख लेते हैं, शायद वो ग्रीन और ब्लू दोनों से ज्यादा अच्छा लगे। तो ये कोलैबोरेशन है कि वहाँ पे हम एक दूसरे की बात को समझें और एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे जाके हम रुकें जहाँ पे दोनों की सेटिस्फेक्शन हो जाए। ये ना हो कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि यार चलो वैस ऐसा कह रहा है तो कर लेते हैं, तो वैस सेक्रीफाइस कर रहा है कि यार चलो सर वलीद कह रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं। सही। दोनों की सेटिस्फेक्शन जरूरी है। एक टीम जब ही कामयाब हो सकती है जब हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलाएगा। वो तो जाहिर है टीम में मौजूद है तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन अक्सर क्या कहते हैं कि यार हम बैठे हुए कोई बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक सजेशन ले रहे हैं किसी चीज़ पर, हम प्लान कर रहे हैं। सही। ठीक है, अब हर एक इंडिविजुअल का किरदार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यार ऐसा कहेगा कि यार मैं क्यों मैं आइडिया देता हूँ, ये तो मेरा आइडिया सुनते ही नहीं है, मेरे आइडिया पे अमल ही नहीं करते, मैं क्यों आइडिया दूँ। सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा की आइडिया की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सब ने मिलजुल के एक आइडिया दिया होगा, लेकिन फाइनल पॉइंट पे हम जिस पॉइंट पे पहुँचे हैं, जो हमने डिसीशन लिया है, उसमें कहीं ना कहीं हर एक की वैल्यू ऐड है, हर एक की इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सही। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बंदा ना आपस में कोलैबोरेट करके चले, एक दूसरे की टांगे ना खींचे कि यार दूसरे से आगे भागने के लिए सामने वाले को पीछे खींचे, क्योंकि देखिए एक बंदा यहाँ एक बंदा यहाँ है। सही है, अब ये बंदा ऊपर जाना चाह रहा है, इसके पास दो तरीके हैं, एक तो इसको पकड़ के नीचे गया इसलिए ऊपर आ गया, दूसरा तरीका क्या है, खुद मेहनत करे ऊपर जाने के और इसके लेवल तक आए और इसको भी साथ लेकर जाए। ये कोलैबोरेशन होती है, ये अगर ये चीजें टीम में नहीं पाई जाती तो टीम में फिर बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है टीम में, टीम में अगर कोलैबोरेशन नहीं होती तो टीम में मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक सर, अच्छा वैसे आज CNG बंद है सर? क्यों?
थी। सारे के सारे माशाल्लाह पेट्रोल पे हुए हैं आज। ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो अपने अपने पॉइंट्स बारह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें सर अब तक आप लोगों से सुनने को मिली हैं। अच्छा जी, बात हमने आपने यहाँ इसको एंड किया कि जी कोलैबोरेशन नहीं होगी, मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसको मैं इस तरह से कह लूँगी यार नेगेटिविटी जो है वो टीम में नेगेटिविटी आ जाएगी और नेगेटिविटी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आप लोगों की तरफ सर आता हूँ। सबसे पहले सर मूसा सर बड़े खामोश और बड़ी सख्त तबीयत के आप मालिक लगते हैं सर, 12 लाख हैं नहीं, बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो अच्छा ये मैं सर ऐसी बीच में पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ, मैं भी तो बोलूँ ना, आप लोग सारे बोले जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं बोलूँ आप, ठीक है ना सर, मेरा भी हक है। अच्छा सर नेगेटिव पॉइंट्स में मैं चाहूँगा कि आप जो है वो अपनी कुछ राय हमें दें। अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं टीम एडिफायर का और आपका सर था कि आपने मुझे मौका दिया इसका। नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में ये कहना चाहूँगा टीम वर्क के बारे में कि टीम वर्क में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स का ऐसा रोल होता है जो नेगेटिविटी पैदा कर देता है। बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई अपनी टीम के खिलाफ जाकर काम कर लेता है, टीम ने एक काम दिया हुआ है आपको और उस काम के जो आपने जो आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के खिलाफ जाके आप काम कर लेते हैं, ठीक, या आप अपनी टीम में लेजीनेस दिखाते हैं यानी कि आप सुस्तपन दिखाते हैं, ठीक, कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरे काम मुझे इस काम करने में प्रॉब्लम हो रही है वगैरह वगैरह, जबकि टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि टीम जैसे कि समुद्रा ने भी कहा और सब ने कहा कि वो एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप होता है और एक ग्रुप में से कोई एक बंदा भी काम नहीं करेगा तो पूरी टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक बंदे की लेजीनेस आ जाना, सुस्तपन आ जाना, दूसरा कि वो फिर वो गद्दारी दिखा देना कि भाई जो टीम ने आप पे भरोसा किया, आँख बंद करके आप पे भरोसा किया, सही, आप पे बिल्कुल ही वो काम छोड़ के उन्होंने फिक्र नहीं की कि हाँ बस इस बंदे को हमने काम दे दिया है ये हमारी टीम को आगे लेके चले जाएगा, जो काम इसके जिम्मे हैं वो जिम्मे को आगे ले जाएगा, लेकिन वो गद्दारी कर देता है या कुछ और काम कर लेता है जिसकी वजह से टीम को नुकसान होता है। तो ये बहुत गंदी और बहुत ही कह सकते हैं हम ये गैर अखलाकी काम है कि आप किसी भी टीम के साथ कुछ अरसे तक रहें और उसके साथ उसका भरोसा लें, उनका भरोसा अपने पर लेने के बाद फिर आप उनके साथ गद्दारी कर लें, सही, ये बहुत ही गलत चीज़ कहलाती है, बहुत ही गैर अखलाकी कहलाता है। देन फिर हमारे पास ये आ जाता है गीबत, ठीक है भाई, गीबत कर रहे हैं हम कि बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, एक को दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, सही है भाई, आप ये तो ऐसा है वो तो वैसा है, ये नहीं होना चाहिए। गीबत एक तरह से कहते हैं इस्लाम में भी मना किया गया कीबत के बारे में कि कहा गया कि कीबत किसी की पीठ पीछे बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, अगर आपको किसी की अच्छाई करनी है या किसी की बुराई करनी है उसके सामने उसके सामने कीजिए, क्योंकि इंसान जो है दूसरों के गहबानों में बड़े देखता है लेकिन अपने गिरेबान में नहीं देखता, कभी भी नहीं देखता। तो यही सबसे बड़ा मसला है नेगेटिविटी की, टीम वर्क की नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि गीबत करते हैं लोग एक दूसरे की पीठ पीछे। देन फिर हम आ जाते हैं जेलेसी, बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है भाई, वो लीडर क्यों, सबसे कॉमन फैक्टर, वो लीडर क्यों बन गया भाई, मैं क्यों नहीं लीडर बना, बिल्कुल, वो उसको इतना अच्छा काम कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला भाई, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे इतना छोटा काम मिला है, नहीं यार मैं ये छोटा काम नहीं कर सकता, सही, गलत काम है भाई। तो ये हसद होना या जेलसी होना ये बहुत गलत चीज़ है भाई, वो लीडर इसलिए बना है क्योंकि उसने जद्दोजहद की है, बिल्कुल, उसने कोशिशें की, वो डिजर्व करता है, एक्सपीरियंस रखता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर्स को हम देखते हैं कि बहुत टाइम बाद उनको एक लीडरशिप मिलती है, एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, एक बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है कि कोई कंपनी का बॉस बनता है या कोई कंपनी का सीईओ बनता है, तो वो तब बनता है कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रखता है या बहुत अच्छा उसके जो कोशिशें होती हैं तब जाके वो बनता है। और एक नया कैमरा आता है जो एक साल या दो साल का एक्सपीरियंस रखता है, वो ये कहता है कि भाई ये कैसे बन गया, कैसे बन गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसको गाड़ी कैसे मिल गई, मुझे गाड़ी नहीं मिली, वो ये सोच भाई रहा है इस टीम ने, इस टीम ने इस लीडर को इतना क्यों सर पर चढ़ा के रखा हुआ है, मुझे भी तो भाई इतना कुछ मिलना चाहिए ना, मुझे क्यों नहीं जेलसी हो रही। तो उसको जेलसी जो उसके अंदर आ जाती है, जो हसद आ जाता है, वो टीम को तोड़ देती है, ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। और ऐसे ये भी होता है कि एक टीम में दो टीमें अलग हो जाती हैं कि हाँ भाई तुम ग्रुपिंग्स हो जाती हैं, हम देखते हैं कि भाई सुनते हैं आजकल न्यूज़ों में सुन रहे होते हैं कि भाई क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग हो गई, उस कप्तान के खिलाफ चले गए, भाई ये कप्तान अच्छा नहीं, एग्जांपल बिल्कुल, भाई कप्तान अच्छा नहीं खेल रहा तो उस कप्तान के भाई हम नहीं खेलेंगे, हमें ये वाला कप्तान चाहिए कि हम ये ग्रुपिंग कर लेंगे, सही, बड़ी बड़ी बातें सुनने की आती हैं कि भाई हमने वर्ल्ड कप तो जीत लिया लेकिन हम लोग ग्रुपिंग करके जीते थे या ये करके जीते थे। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि टीम वर्क में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी रखती हैं। एंड द लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप टीम वर्क रख रहे हैं और टीम वर्क में एक दूसरे के ऊपर भरोसा है तो भरोसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टीम में अगर किसी ने एक ने भी दूसरे का भरोसा तोड़ दिया तो बाकी टीम का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाएगा, यार इसने मेरा उसने भरोसा तोड़ा, इसको जो इंसान शरीफ होगा उसके ऊपर भी शक करेगा कि हाँ यार जब इसने मेरा भरोसा तोड़ा है तो वो भी मेरा भरोसा तोड़ेगा, बिल्कुल, तीसरे ने तोड़ा तो चौथे ने भी मेरा तोड़ेगा, यानी कि एक इंसान ने ट्रस्ट तोड़ा तो पूरी टीम ही डिस्टर्ब हो जाएगा और इसी वजह से हमारा बिल्कुल ही टीम का नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा।
टीम की नेगेटिविटी हाई हो जाएगी और टीम का मोरल जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और टीम फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि टीम के आगे बढ़ने के लिए सबसे चीज क्या जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है। हम लोग स्टूडेंट टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि भाई तुम लोग मोटिवेट रहो, पेपर मुश्किल आएंगे कोई मसला नहीं, टेस्ट मुश्किल है कोई मसला नहीं, हौसला अफजाई रखो, मोटिवेट रहो। तुम ये क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर एनी वन, इंडिविजुअल तौर पर भी और टीम वर्क के तौर पर। तो इसी वजह से मैं अपना एंड करूंगा कि टीम वर्क में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और नेगेटिविटी होगी तो आपको ठीक है, अब बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेगेटिविटी होगी, आपने सब बीच में एक वर्ड इस्तेमाल किया था लीडर का, जी सर ठीक सर ना। अच्छा अब जब ये नेगेटिव पॉइंट्स टीम के अंदर शामिल हो गए सर मुर्तजा, तो एक शख्स कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर होगा ना जो उन सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहा होगा, जो उन लोगों को मतलब ये चीज़ समझा रहा होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं अब सर मैं ये चीज़ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब लीडरशिप पे आना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं सर इमरान माशाल्लाह ब्लैक शर्ट बहुत सूट कर रही है सर आप, थैंक यू सर, ठीक है मुस्कुरा के तो थैंक यू बोल देंगे, थैंक यू सर, हाँ सर खैर चले मजाक थोड़ा थोड़ा सर ये आपको पता है मेरी आदत है बीच में, ठीक है ना। अच्छा मैं लीडरशिप की तरफ आना चाह रहा हूँ सर, लीडरशिप के बारे में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कहीं कह रखी हैं सर। मुझे मंडेला साहब का एक कोट याद आ रहा है, वो ये कहते हैं कि जी लीडर वो नहीं होता जो कि खुद जीतता है, लीडर वो होता है जो और लीडर्स क्रिएट करता है, ठीक है ना सर। इसी तरह से लीडरशिप के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को आ रही हैं कि जी ग्रेट लीडर्स आर बॉर्न विद द हेल्प ऑफ टीम एंड ग्रेट टीम आर बॉर्न विद द हेल्प ऑफ ग्रेट लीडर्स, ये दोनों चीज़ें आके आपस में इंटरलिंक्ड हो गई। सर लीडरशिप के हवाले से मैं अब जो है वो ये सेशन आपके हवाले करता हूँ सर, आप इसमें इंक्लूड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ताह ने बात की, वो जो कि हमारी एडिफाई टीम का एक पार्ट है, हर टीम के लिए एक लीडर लाजमी है। जैसे अभी मेरे एक साथी हैं अवेस ने बात की कि बिल गेट्स की बात की अवेस ने, तो वो जो बिल गेट्स की बात की, बिल गेट्स बेसिकली एक लीडर है, तो आज वो लीडर है, आप देख रहे हैं आज वो अपनी जगह पर सक्सेसफुल है और उसकी बात हमारे पास, हम यहाँ पर बैठ के उसकी बात हमारे साथ कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सक्सेसफुल पर्सन है जिसकी बात हम लोग अपने साथ यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। तो हर टीम में एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पर। अभी जैसे सर मूसा ने मेरे साथ बात की, हम साथ बैठ के एक बात कर रहे हैं, सर मूसा ने बात की कि नेगेटिव पार्ट आ जाता है, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास उनको उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक लीडर चाहिए। अब लीडर क्या होगा, लीडर होता क्या है, इस पे बात कर लेंगे, लीडर होता क्या है। अब अगर बेसिकली लीडर नहीं है हमारी एक टीम में और हम सब, अभी जैसे सर वलीद ने एक बात की हमारे साथ, एक बात शेयर की कि मुझे एक ये रंग पसंद आ रहा है और एक बिल्डिंग है हमारे पास और हम उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, उस पर हमें एक ये कलर पसंद आ रहा है, एक कलर पसंद आ रहा है, अब वो आपस में जिद बहस चल रही है, या तो फिर अगर ये भी नहीं बोल पाएंगे और ये भी नहीं बोल पाएंगे फिर भी इनके दिल में बात आ जाएगी, मगर अगर ये फैसला एट द एंड हमारे पास लीडर पे छोड़ दिया जाए तो ना तो फिर वो इनकी मानी जाएगी और ना वो फिर इनकी मानी जाएगी, लीडर का फैसला होगा वो ये सबको मानना पड़ रहा होगा, डेट इज़ लीडर। तो हर टीम में एक लीडर का होना ज़रूरी है कि अगर लीडर नहीं होगा तो फिर वो टीम मतलब टूट जाएगी, बिखर जाएगी। सही। हर चीज़ को फाइनलाइज एक लीडर करता है। बिल्कुल सर, हमारी एक टीम है जिस टीम एडिफाई का मैं हिस्सा हूँ, उसके लीडर सर मुर्तजा के यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, द वेरी ऑनरेबल सर मुर्तजा, सर मुर्तजा यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा अब वो हम सबको लीड कर रहे होते हैं, हम सबको साथ चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो मैटर नहीं करता कि वो हमारी टीम में इंक्लूड हुआ है 2 महीने पहले, वो मैटर नहीं करता वो इंक्लूड हुआ हमारी टीम में 5 साल पहले, वो मैटर नहीं करता इंक्लूड हुआ है 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले इंक्लूड हुआ है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो हमारी टीम का, टीम एडिफाई का हिस्सा है, तो सब जो टीम एडिफाई का हिस्सा है उनको उतनी रिस्पेक्ट के साथ, उतनी रिस्पेक्ट के साथ और हमदर्दी के साथ अपने साथ रखा जा रहा होता है। सही। अब लीडर एक बेहतरीन लीडर, तो आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल हम लीडर अभी लीडर चूज़ करना है और हमने लीडर चूज़ करने के लिए हमने किसी ऐसे पर्सन को लीडर चूज़ कर दिया कि जिसका खुद का एक करेक्टर ऐसा नहीं है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ही नहीं है, उसका खुद का करेक्टर ऐसा नहीं है कि वो दूसरे उससे इम्प्रेस हो जाए या उसकी बात सुने या फिर उसके पीछे पीछे यही बातें बोलेंगे ना, अभी ये टीम लीडर है, मतलब ये लीडर बनने के काबिल नहीं है। लीडर की हरकतें ऐसी थोड़ी होती हैं। बिल्कुल। लीडर का करैक्टर एक होना चाहिए कि लीडर का करैक्टर क्या है, वो अपने करैक्टर से डिफाइन कर रहा होता है कि मैं लीडर हूँ।
उसकी बात सब सुन रहे होते हैं, उसको सब मान रहे होते हैं, उसको सब जान रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही, जब स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ तो एक क्लास में सीआर बना दिया जाता है, एक मॉनिटर बना दिया जाता है, एक प्रीफेक्ट बना दिया जाता है जो कि स्टूडेंट्स को लीड कर रहा होता है, वो लेट इट लीडर के मॉनिटर मिस किया कॉपीज कलेक्ट कर लें। टीचर्स ने उसको हमारे पास एक बोल दिया कि आप लोग कॉपीज कलेक्ट करें, और वो फिर मॉनिटर एक लीडर की तौर पर अपनी क्लास में काम कर रहा होता है, सब स्टूडेंट से वो कॉपी कलेक्ट कर रहा होता है। इस तरह जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो सीआर बन रहा होता है, और सीआर अपनी इंटरनली मामला चला रहा होता है कि इस दिन टेस्ट है, इस दिन फलाना टेस्ट है, इस दिन फलाना टेस्ट है। ये एक लीडर है, हर टीम में एक लीडर मौजूद होना चाहिए, बगैर लीडर के कोई टीम नहीं चल सकती। आप देखें ना, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, उसमें भी एक लीडर, एक कोच और एक कप्तान लाजमी है कि अगर वो नहीं होगा तो फिर वो पहले बैटिंग मैं करूंगा और पहले बॉलिंग मैं करूंगा, मतलब वो, अब आपको मतलब फिर मैच वहीं रह जाना है कि पहले बैटिंग मैंने क्यों नहीं की और पहले बॉलिंग तूने क्यों नहीं की। हम जब इलाके में भी लाइक अपने इलाके में थोड़ी क्रिकेट खेलने निकल जाते हैं, उसमें भी हम एक लीडर चूज कर लेते हैं, नहीं भाई तुम हमारे टीम के कप्तान हो, तुम हमारे टीम के कोच हो, मतलब अब तुम्हें ऐसा जाना है कि अब उसकी बात हमें सबको सुननी है। जो फैसला कर रहा होता है वो दो कप्तान बीच में आके कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ना करें, आप अपने गली मोहल्ले में देखिएगा कि अगर कोई कप्तान नहीं है, कोई टीम नहीं है, तो आपस में लड़ रहे होते हैं, खड़े होते हैं, नहीं अभी मैच तो वो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता। तो बेसिकली लीडर, अभी मैं बताऊँ लीडर की मैं क्वालिटीज बता रहा था कि लीडर, अगर लीडर ऐसा बना दिया जिसका कैरेक्टर ही ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको कि अगर लीडर बनाया हम एक शेर को और पीछे चलने वाले भेड़ियों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, अब एक लीडर बनाया हम शेर को, पीछे चलने वाले भेड़ियों, तो शेर जिस तरीके से चलेगा और शेर जिस तरीके से घुर्राएगा और जिस तरीके से शेर सब पे रौब जमाता है और रौब चलाता है, वो शेर की चाल चलेंगे। अब अगर हम लीडर बनाए भेड़िए को और पीछे चलने वाले शेर हो, तो फिर वो जो भेड़िया है वो सब जो शेर भी होंगे ना वो भेड़िए की चाल चलेंगे, मतलब क्योंकि हमें लीडर को फॉलो करना है। बिल्कुल, वो सारे जो भेड़िए होंगे वो भी, वो जो सारे शेर हैं वो भी भेड़िए की चाल चलने लग जाएंगे। दैट ये फिर तो टीम तो नहीं रहेगी ना हमारी, तो टीम वो हम जहाँ ऊपर जाना चाह रहे हैं टीम के, टीम को साथ लेके वहाँ लैक आ जाएगा टीम को और टीम फिर डाउन हो चलेगी। बिल्कुल, तो बेसिकली टीम के लिए एक लीडर होना चाहिए, लीडर होना बहुत ज़रूरी है, और लीडर का ऐसा होना कि जिस जो अपने कैरेक्टर से बता रहा हो कि मैं लीडर हूँ, कि उसको देखते ही लग रहा हो कि ये लीडर है, जो अपनी टीम के साथ हर एक बंदे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा हो। बिल्कुल, डेट इज लीडर, सबका ख्याल रखते हुए चल रहा हो कि अभी सर मुर्तुजा हमारी टीम एडिफाई के लीडर है। मैंने नहीं देखा, जब से मैं इस टीम एडिफाई में शामिल हुआ मैंने नहीं देखा कि सर ने किसी को भी किसी बात पर इग्नोर किया हो, हर एक बंदे की डिस्कशन के साथ, हर एक बंदे की राय के साथ। आई सेकंड यू सर, हर एक बंदे की राय, हर एक बंदे यार ऐसा करना चाहिए, यार ऐसा करते हैं, हर एक बंदे को साथ मिला के चल रहे हैं, तभी हम यहाँ अपने दिल से और खुशी और खुलूस से आज यहाँ पर बैठे हैं सर के साथ। और हमने भी अपनी टीम का लीडर सर को मुकर्रर कर दिया कि अब सर ने तो अपनी टीम बना ली, हम अब लगती है इनके अंदर क्वालिटीज के ये वाकई एक लीडर है जो कि हमारी पूरी टीम को लेके चल। अब हम पसंद भी नहीं करते कि इनके अलावा कोई हमें गाइड भी करे, कोई हमें गाइड भी करे, कोई बाकी दूसरा बंदा हमें बताता है, हम बोलते हैं चल भाई अभी रहने दे, हमारे लीडर अभी क्या मतलब आप हमें बोल रहे हैं मतलब और डिफरेंट बंदे जो हमारे पास आगे बोल रहे होते हैं लाइक कि भाई अब ये काम करना है ऐसे, तो वहाँ पर एक लीडर मौजूद है, और ऐसा लीडर जो अपने अखलाक अपने किरदार से बता रहा होता है, लाइक नमाज के टाइम पे वो नमाज पढ़ने जा रहा है, मतलब अब ऐसा लीडर जो कि नहीं कुछ है ही नहीं जिसके मामला, तो जिसके अखलाक और कैरेक्टर में ये चीज़ है ही नहीं, तो हम उसके पीछे चलेंगे अपने अपने नवा, हम भी उसको देख के, मैं अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, ये मैंने असल में आज से पहले आप लोगों से शेयर नहीं की, जब सर बाइक पे नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं नमाज की अपनी क्लास के ब्रेक, क्लास खत्म होने के बाद फ़ौरन बाइक स्टार्ट करते हैं, यार मैं नमाज, मुझे भी नहीं बोलते, किसी को नहीं बोलते, मगर पहले नमाज की तरफ जा रहे होते हैं, तो मतलब आज तक मुझे क्या फील होता है, मुझे लगता है यार ये दैट इज़ लीडर ना, कि मतलब अपनी टीम के साथ चल रहा है और अपनी टीम को, मतलब मैं देख के इनको फॉलो कर रहा हूँ, आज मैं इंप्रेस हूँ इनकी बात से, तभी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ। तो डेट लीडर कुछ ऐसा हो कि वाकई लगे कि लीडर है और उसकी बात मानने को दिल करे, नहीं यार सर ने बोल दिया बाकी सब बातें छोड़ दो, कोई टीम में नेगेटिविटी पैदा हो जाए, जैसे सर मूसा ने बात की, जो भी हमारे साथी हमारी टीम एडिफाई का हिस्सा है, जैसे मूसा कोई नेगेटिविटी पैदा जब हो जाती है ना, तो फिर जब लीडर ने बोल दिया, तो अब मुझे अगर सर मुर्तजा ने कोई बात बोल दी नहीं इमरान ऐसे, तो That is, बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं लीडर कि नहीं लीडर ने बोल दिया, अब मैं भी खामोश हो गया क्योंकि मैं इनकी बात को फॉलो करता हूं। हमें पता है इस चीज का, मुझे इंसेंटिव मिलेगा। मिलेगा। तो दैट इज लीडर, के एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, फोर ईज से, ईज ई फॉर एलिफेंट लाइक, फोर ईज से स्टार्ट करूंगा, ई फॉर फर्स्ट ई लाइक एनर्जी, ठीक है, कि जो एक लीडर है उसके अंदर ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि बस मतलब
اس کی ٹیم کو لگے کہ بندہ صبح آتا ہے تو بات کرتا ہے اور جاتا ہے تو بات کرتا ہے, مطلب کام کی بات, آج کیسے پڑھانا ہے, آج کیسے پڑھایا, آج پیپر کیسے بنایا, آج اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے, اسٹوڈنٹ کے نیپ بک کا پیٹرن چینج ہو گیا کیسے کرنا ہے, یہ میں سب آپ کو ایک لیڈر کی بات بتا رہا ہوں جو کہ میری لیڈر میں پائی جاتی ہیں کہ ٹیم مطلب کیسے لے کے چلنا ہے, آج یہ سبجیکٹ چلانا ہے, آج اس کے پیپر لینے ہیں, آج اس کو ایسے کرنا ہے, مطلب وہ آتا بھی ہے تو پیپر کی بات اور جاتا بھی ہے انسٹیٹیوٹ سے تو پیپر کی بات ہی چل رہی ہوتی ہے, ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے انکریج کیا جائے, کیسے موٹیویٹ کیا جائے, کیسے اسٹوڈنٹس کو ان کی گروتھ کی جائے اسٹوڈنٹس کی. تو سیکنڈ ہمارے پاس ہے انرجائز, فرسٹ انرجی, سیکنڈ انرجائز. اب انرجائز کیا ہے, انرجائز کے جو لیڈر خود تو انرجی رکھتا ہے, اب اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ بھی, ٹیم کے ممبرز میں بھی انرجی کو بھی بوسٹ, مطلب بوسٹ کرنا ہے کہ بھائی اب آپ بھی انرجی رہو, جیسے لائک سر کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, نہیں مطلب ایک لیڈر کیا کیا آپ نے آج, کیا 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 ہوا تھا آج, یہ کیا بات ہوئی تھی, یہ کیا بات ہوئی تھی, ہر ایک سے سر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو مطلب انرجی, مطلب خود میں ہی بندے میں انرجی آ رہی ہوتی ہے, کبھی ہم لیک آ رہا ہوتا ہے ہمارا, بولے سر تو بھی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے, دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے نہیں یار ابھی سر کے سامنے جانا ہے تو اس بات کا جواب دینا ہے اور اس بات سے سر کے سر سے بات ڈسکشن کرنی ہے. میں تھرڈ ای کیلکولیٹ کروں گا اپنا ایج, ایج مطلب لائک فیصلہ, ایسا فیصلہ جو مطلب بس اب ڈیسیجن لینا ہے کہ فوراً اب یہ کنکلوڈ کرنا ہے, یہ فیصلہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے ایک لیڈر کے اندر, کہ جب تک لیڈر فیصلہ نہیں کر سکتا, دیٹ از میں نہیں مانتا کہ وہ لیڈر ہے, اور میرا لیڈر ابھی میرے ساتھ ایسا موجود ہے جو کہ ایٹ دا ٹائم فیصلہ کر رہا ہوتا ہے, نہیں آج یہ ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے, اور آج ایسا ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے, اور ہم اس کی بات کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں ان کو لیڈر مانتا ہوں, ان کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے, دیٹس وائی کہ میرا دل کرتا ہے ان کی باتوں کو میں مانوں اور ان کی بات کو سن کے چلوں, ان کے پیچھے چلتے چلتے مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو اب جو میں اپنا فور ای کیلکولیٹ کروں گا وہ کروں گا ایکشن اینڈ رزلٹ پہ, ایکشن اینڈ رزلٹ, یس ایگزیکیوشن, لائک ای فور ایگزیکیوشن لائک ایکشن اینڈ رزلٹ. اب کیا ایکشن لینا ہے, وہ پازیٹیو لینا ہے, وہ نگیٹو لینا ہے, وہ اس ٹیم کی اس ٹیم کے لیے اس جگہ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, ایکشن, ایکشن کے بعد رزلٹ. اب ایسا نہیں ہے کہ ایکشن بھی ہو گیا سب معاملہ چل رہے ہیں اور ایگزیکیوشن بھی کر رہے ہیں ہم لوگ سب کچھ, انرجی بھی ہے, انرجائز بھی کر دیا ہم نے اپنے ٹیم لیڈر کو, مگر رزلٹ کچھ نہیں مل رہا, رزلٹ نہیں ملے گا تو پھر ڈیفینیٹلی سی بات ہے پھر لیڈر کی پھر وہ کون سا لیڈر ہے جب رزلٹ نہیں آئے گا, تو دیٹ از رزلٹ مل رہا ہوتا ہے تو تھینک یو سو مچ سر. صحیح سر, فور ایز پہ آپ نے اس کو کنکلوڈ, فور ایز پہ میں نے اس کو کنکلوڈ کیا, تھینک یو سر. اچھا جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سر احسن, سر بڑی دیر سے آپ, مجھے لگ رہا ہے سر آپ کو مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ یار کیا مطلب ہے مجھے اتنی باتیں مجھے بھی آئی ہوئی ہیں, مطلب میں نہیں بولوں کچھ. ہاں سر بالکل سر, عمران نے بات کر دی, اب آپ اسی لیڈرشپ کے سر اس ٹاپک کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ بھی اس میں ایڈیشن کیجیے. بالکل سر, تھا آپ کا اور پوری ایڈی فائی کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ, سب سے پہلے السلام علیکم آپ سب کو. وعلیکم السلام. لیڈرشپ, لیڈرشپ کیا ہے پہلے تو ہم بات کریں گے گروپنگ کی, لیڈرشپ پہ میں کچھ آپ سے بات کروں کہ ٹیم ہوتی کیا ہے, ٹیم ورک ہم بات کریں, ٹیم ورک کیا ہے بیسکلی. اب ٹیم ورک یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو تین لوگوں کا ایک گروپ بنا لیا, اس میں آپ کچھ بھی کوئی آپ کام کریں کچھ بھی شیئرنگ کریں تو وہ ایک چیز ٹیم نہیں کرائے گی, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے جلدی گروپ بنتے ہیں اتنے ہی جلدی گروپ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا نام بھی کوئی نہیں رہتا کہ کبھی یہ گروپ ہوتا تھا یا گروپ ہے. لیکن اگر کسی ٹیم جیسے آج ہم لوگ ہیں اور ہماری ٹیم کا لیڈر ہے غلام مرتضیٰ جو بہت ریسپیکٹفل ہے ہم سب کے لیے, ہمارے رول ماڈل ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا, آج یہ ہیں تو ہم ہیں کیونکہ ایڈیفائی کہلا جاتا ہے, ان سے بھی ایڈیفائی ہے, ایڈیفائی کی پہچان سر, اصل معنوں میں ایڈیفائی, ایڈیفائی کی شان اور ایڈیفائی کی پہچان سر غلام مرتضیٰ, دیئر از نو ڈاؤٹ اور کسی کو اس بات پہ ڈاؤٹ نہیں ہے, بالکل نا, تو یہ ہیں تو ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹیم میں جگہ جب ایک ٹیم کا لیڈر ہوگا نا تو وہ ٹیم کبھی بیک ڈاؤن نہیں ہو سکتی, وہ ٹیم کبھی اپنا مورال نہیں گرا سکتی, وہ ٹیم کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو پتا ہے اس کا لیڈر اس کی بیک پہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ اور اپنے بندوں کو اپنے ورکر کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, جہاں ان کے امپلائیز وہ ڈاؤن میں ڈاؤن آنے لگے, جہاں وہ لگے کہ آپ بیک آئے تو وہاں سے ہی بیک بون جو لیڈر ہوتا ہے وہ بیک بون کا کردار ادا کرتا ہے اور بولتا ہے چاہے کتنے بڑے مسئلے کیوں نہ ہو, لیڈر ہمیشہ اپنے امپلائی کو ایک ہی بار بات بولے گا کہ گیو اپ نہیں کرنا ہے چاہے کتنے بھی بڑے مسئلے کیوں نہ آ جائے, بالکل. اور یہ چیز میں ایڈی فائی کا بہت ایک پرانا ساتھی بھی نہیں بولوں گا, بہت اچھے عرصے سے میں ساتھ ہوں
और मैंने हमेशा सर गुलाम मुर्तुजा के साथ एक बात नोट डाउन की, हमेशा एक लीडर को मैंने बात नोट डाउन की कि चाहे जितने भी बड़े मसले होते हैं, चाहे कोई मसला क्यों ना हो जाए, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि बोले ऐसा कोई मसला नहीं, आगे बढ़ो, अल्लाह मालिक है। सर हम सब इस बात को सेकंड करेंगे, सबके बैकअप पे सर मौजूद हैं। और हमेशा बहुत सी गलतियां होती है, हम जब काम करते हैं, हम लोग मुझसे जब बहुत मैं काम करता हूँ बहुत सी गलतियां हो जाती है, क्योंकि इंसान एक खता के पुतले हैं। बिल्कुल, लेकिन सर गुलाम अभी कुछ लीडर होते हैं जो फौरन एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ होते भी हैं मैं, ठीक ना, लेकिन सर मुर्तुजा में ये बात है कि चाहे मैं बड़ी से बड़ी गलती मुझसे हुई होगी, होती है, लेकिन सर मुर्तुजा हमेशा मुझे बोलते हैं ऐसा कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी होगा, हमेशा इस बात पे बोलते हैं कि लीडर कहते ही उसी को है जो सोल्यूशन के साथ है, हमें हर बात का सॉल्यूशन। क्या जबरदस्त पॉइंट लिया सर, इसी बात के ऊपर एक लीडर, गुड लीडर के ऊपर तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर बताया लोगों तो वक्त भी शायद कम पड़ जाए, लेकिन मैं चंद आपको एक खुशी कि मुतासिर हो चाहिए रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए, जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं आप हमारे रोल मॉडल हो। बिल्कुल, इसी तरह मैं भी सर मुर्तुजा को अपने लिए रोल मॉडल कंसीडर करता हूँ कि वो मेरे रोल मॉडल है। मैं सेकंड करूंगा सर आपको, मैं भी करता हूँ जी ना, क्यों, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटीज मौजूद है जो एक गुड लीडर में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा गुड लीडरशिप में होनी चाहिए, होनी चाहिए और है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी बात है ये किस तरह से सीखने का मन, जब एक लीडर कुछ काम करता है तो वो बहुत सी चीज़ सीख रहा होता है, जो 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 चीज़ वो सीख रहे होते हैं हम सब उनकी टीम में काम कर रहे हैं, अब जितना भी सर मुर्तुजा सीखते हैं ना वो एंड में आकर सबके साथ बैठते हैं शेयर करते हैं कि आज मैंने ये चीज़ करी, और उनकी बातों से हम भी सीखते क्या रहे। मैं अपना बहुत बोलता हूँ कि ऐसा सर मुर्तुजा ने मुझे ये बात बोली है, इसके ऊपर काम करो, फोकस करो, ये काम होगा, और बिल्कुल अगर मैं बात करने काम करने लगता हूँ तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, और मैं अपने आपको इस पर बहुत सारा प्राउड फील करता हूँ कि मैं सर मुर्तुजा का स्टूडेंट हूँ पहले, बाद में उनकी टीम का मेंबर हूँ, तो जितना मैं एज ए स्टूडेंट उनको समझता हूँ उतना ही सारा मैं उनको सब कुछ काम लेके चलता हूँ। बिल्कुल, सीखने का अमल हर फील्ड में होता है, चाहे वो लीडर की फील्ड में हो, चाहे वो एक्सपर्ट किसी भी फील्ड में हो, और लीडर एक टीम की बैकबोन होता है, अगर जब लीडर ही बिल्कुल सुस्त होगा तो उसकी टीम भी ज़्यादा डे वर्क नहीं कर सकेगी। बिल्कुल, एक लम्हे तो कर लेगी, दो लम्हा भी कर लेंगे, तीसरा लम्हा आएगा, बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी, एंड इसी तरह से लेके इसके अलावा और चीज़ें हैं, जैसे हम एक बात इंक्लूड कर लेके लीडर होता क्या है, लीडर के अंदर किन खुशियाँ, एक बात यह होती है कि लीडर अपने एम्प्लॉय को कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम नहीं, लीडर ब्लेम नहीं लगा अपने अलावा, भाई जैसे कि एग्जाम्पल लेके मुझसे काम नहीं हो रहा, सर इमरान आया कोई भी आके मुझे बोलता है ऐसा यार तुमसे काम नहीं हो रहा, आप क्या करें, सर मुर्तुजा आ गए, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, कोशिश करो होगा, और कोशिश करना हर एक चीज़ के लिए एफर्ट करता है, जब हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं वो काम होती है, लेकिन हमें एफर्ट कौन कराता है, सर गुलाम मुर्तुजा में पीछे तक बहुत ज़्यादा फोकस करो तो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, जिस एक गुड लीडर की तरह, तो ये सब चीज़ें होती है गुड लीडरशिप के अंदर, और इसके साथ हम बोल देंगे सबसे ज़्यादा गुड लीडरशिप हमदर्दी, एक गुड लीडरशिप के अंदर एक लीडर के अंदर हमदर्दी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना लीडर अपने एम्प्लॉय के साथ अपने काम करना हम्बल होगा, हमदर्दी के साथ रहेगा, उतना काम करने में दोनों तरफ का मजा आता है, अच्छा लगता है, काम करने का दिल करता है, काम करने का बहुत दिल और जान से बंदा काम करता है। बिल्कुल, मैंने अपने जितना भी अभी तक एडीफा का मेरा अरसा रहा है, सब मुर्तुजा को जितना मैंने पाया उन्होंने कभी भी मैं अपनी नहीं बल्कि मैं मुझे पता है कि इस बात को सब एग्री करेंगे कि कभी सब मुर्तुजा ने कभी किसी के साथ हमदर्दी ना करी हो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, जितनी हमदर्दी सब मुर्तुजा किसी के साथ करते हैं हमारी इस टीम में, मेरे को नहीं लगता शायद इतनी हमदर्दी कोई किसी के साथ करता होगा। ठीक है सर, मैं मानता हूँ ठीक ना, इतनी लीडरशिप पे सर मुर्तुजा के हवाले से आप जो बात करें ना, अगर सर ऐसा आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी शायद एग्जांपल जो है वो एज ए लीडर सर मुर्तुजा को दे रहा होता, क्योंकि एक चीज देखी नहीं है ना इनसे ज्यादा, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा इनसे ज्यादा, ठीक है ना सर मुर्तुजा जी जी, आप सेकंड करते हैं क्योंकि सर मुर्तुजा हमारे लिए एक लीडर नहीं एक दोस्त के तौर पे भी आते हैं, हाँ एक गाइड के बड़े भाई के तौर पे, और हमें इस तरह से सोल्यूशन देते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा बंदा हमारी जिंदगी में होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल, अगर ऐसा बंदा हमारी जिंदगी में तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं, खुशनसीब हैं कि हमारी टीम के लीडर ये हैं, हमारे लिए एक तरह बड़े भाई के तौर पर काम करते हैं और हमें अच्छे अच्छे सोल्यूशन देते हैं, चाहे वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ से हो या पर्सनल लाइफ, हम खुश होते हैं कि उनको बताते हैं कि सर पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी थोड़ी तो आप सॉल्यूशन दें, और हमें पता है कि वो सॉल्यूशन तो हमारे पास है। तो बेसिकली था ये होती है कुछ लीडर की खसूसियात, इसके साथ मैं तो अब ये नहीं बोलूँगा, एक होती बहुत चीज़ें होती है, अब मैं एक मिसाल ले लूँ कि लीडर को किस तरह मुतासिर को उन्होंने अपने बच्चों के रोल मॉडल हो, इसके साथ साथ सीखने का अमल हर वक्त रहता है, एक लीडर के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी, और एक एम्प्लॉय के लिए भी, आम एम्प्लॉय के लिए भी, एक इंसान के लिए भी, सीखना तो सारी जिंदगी जारी रहता है, सीखना सारी जिंदगी जारी रहता है। तो साथ साथ इसी के मुझे बात करते करते एक कोट याद आ गया, जेम्स होम्स का बहुत जबरदस्त कोट है, जेम्स
نہیں سر میں کوئی آپ پہ شک کر رہا ہوں، ان کا بہت زبردست ورڈ ہے دی آرٹ آف کمیونیکیشن از دی کی آف لینگویج، دی آرٹ آف کمیونیکیشن از دی کی آف لینگویج، کہ کمیونیکیشن کرنے کا آرٹ ہوگا تو وہ لیڈر کہلائے گا. لیڈر کے اوپر یہ کوٹ انہوں نے بنایا، دی آرٹ آف کمیشن از دی کی آف لیڈرشپ، سوری تھینک یو. تو اگر کسی کے پاس بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے یا بھی اپنی بات سے کسی بندے کو کانفیڈینس میں لینا ہے اور بات بھی ایسی کرنی ہے تو سامنے والے بات کر بھی رہے ہو تو بات کرے، ایسی بات تو کھڑی بات ہو، اپنے فیصلوں پہ کھڑا رہنا جانتا ہوں ایک لیڈر، جو بات بولی جو ٹیم میں ڈیسائڈ ہوا وہ کام کرا. تو یہ اس کو لے کے بہت سی ایک چیزیں ہوتی ہے، میں کچھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکا ابھی تک. تو جو میں نے اب تک آبزرو کی سر مرتضیٰ میں، جو میں نے آبزرو کی ٹیم ایڈیفائی میں، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی. آپ کا بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے آج کل. سر آپ نے اپنا موقع پوری پوری طرح اویل کیا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ کی ٹیم کا ایسا ہوتا ہے اویل کرنا بھی جانتا ہوں. بالکل سر بالکل. اچھا جی ٹیم ورک پہ ہم بات کر رہے تھے. اچھا بہت ساری بات ہو گئی، کافی ساری باتیں یہاں پہ ہو گئیں، میں اینڈنگ جو ہے وہ اس کی اور کسی دوسری چیز سے نہیں کروں گا. سر سر کی ڈیفینیشن سے بھی تھوڑی سی بات ایسا ٹیم پہ آپ کریں گے، آپ کریں گے ٹیم ٹیم کے حوالے سے. سر ٹھیک ہے آپ اس چیز کو نہیں کروں. ہاں بالکل بالکل آپ کریں گے، آپ کو سیکنڈ سر ولید کریں گے. ٹیم کی ویسے تو یہی ڈیفینیشن ہے جو پچھلے اس میں بھی کی تھی، کہ کچھ لوگ ایسے پوائنٹ پہ جمع ہو جائے کہ ان کا وہ نظریہ ان کا ویژن ایک ہو جائے، ویژن ایک. ہاں اگر الگ الگ ویژن ہے تو پھر وہ ٹیم نہیں کہلائے گا، گروپ پہ گروپس کہلائیں گے. جیسے ہم نے کرکٹ کی مثال دی تھی کہ 11 کھلاڑی اگر 11 کا یہ ارادہ ہے کہ ہم نے میچ جیتنا ہے، یہ ٹیم ہے، مگر 11 میں سے 2 آئے ابھی وہ نئے، وہ تو یہ سوچ رہے چلو یار ہمیں حصہ مل گیا، یہ پہلا انٹرنیشنل میچ ہے اس میں حصہ مل گیا، لائیو آ گئے بس، بہت ہے زندگی کے لیے، جیتنا نہیں ہے میچ. یہ پھر ٹیم نہیں ہے، وہ 2 کا الگ گروپ ہو گیا. بالکل. اور 2-3 بیٹھے ہوئے وہ انہوں نے پہلے کر لیا ہے، ہم نے تو بھائی اپنے میچ فکس کر رکھا ہے، 9 بال پہ آؤٹ ہونا ہے، یہ کرنا ہے. تو پھر یہ گروپس کہلائے گی، یہ ٹیم نہیں کہلائے گی. ہے تو وہ 11 ہے گرین شرٹ پہن کے آ گئے وہ، مگر یہ ٹیم نہیں کہلائے گی، یہ گروپ کہلائے گا. اس سے یہی ہوتا ہے 90% ریزلٹ نہیں آتے. تو ٹیم اور گروپ میں ڈفرینس ہے، حالانکہ ورڈس دونوں ایک ہی ہے. ہاں مطلب ٹیم کے ڈیفینیشن میں گروپ کا ورڈ شامل ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو مطلب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ٹیم اور گروپ میں ڈفرینس ہے. جی سر ٹیم اور گروپ میں ڈفرینس ہے. سر ٹیم اور گروپ میں بالکل یہی ڈفرینس ہے کہ جیسے سر نے بتایا کہ ٹیم بھی کیا ہے، کمبینیشن آف ڈفرینٹ پیپل ہے، اور اسی طریقے سے گروپ بھی یہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سر نے جیسے کہا کہ ایک مقصد کے پیچھے لگے ہوئے. اصل میں گروپ جو ہے نا، گروپ بیسیکلی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ ہے، کہ آپ نے گروپ بنا لیا. فرینڈس کی کبھی ٹیم نہیں ہوتی. بالکل. فرینڈس میں آپ کبھی نہیں بولیں گے کہ یار یہ میری ٹیم ہے، وہ بولتے ہیں یہ ہمارا گروپ ہے، یہ ہمارا گروپ ہے. اسٹڈی بھی گروپ میں ہوتی ہے، کبھی ٹیم میں نہیں ہوتی. بالکل. کیونکہ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق. ٹیم از سم تھنگ جو سارے ایک نظریے پہ مل کے کچھ اچیو کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو یہ ٹیم کہلاتی ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. اور ٹیم کی ڈیفینیشن چل رہی تھی تو ایک چیز اور یاد آ گئی، ٹیم کی ایبریویشن تقریباً سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، ٹی ای اے ایم، ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور. تو یہ ریپیٹ کیجیے، ٹوگیدر ایوری ون اچیوز مور، ٹی ای اے ایم، اکٹھے ہو جاؤ کچھ اچھا، مطلب کچھ زیادہ اچیو کرنا، زیادہ اچیو کرنا. وہی چیز کہ اف یو وانٹ ٹو رن فاسٹ رن الون، اینڈ اف یو وانٹ ٹو رن فار رن ٹوگیدر. بالکل. سر تھا یہاں پہ نا مجھے ایک سر ولید کی، آج آپ ایسا کریں مجھے ختم کرنا ہے. آپ تو سر ولید کی بالکل ایک اور بات سے نا مجھے مدر ٹریزا کا ایک کوٹ یاد آیا، کہ واٹ یو کین ڈو آئی کین ناٹ ڈو، واٹ آئی کین ڈو یو کین ناٹ ڈو، بٹ ٹوگیدر وی کین ڈو مینی گریٹ تھنگس. مطلب جو آپ کر سکتے ہو وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہم کر سکتے ہو وہ آپ نہیں کر سکتے، مگر ہم ساتھ مل کے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ بدل بھی سکتے ہیں. تو بالکل یہی بات ہے کہ ہم لوگ یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں، جو پوری ٹیم ہوتی ہے نا اس کو پورا توڑنا جو ہے نا بالکل بہت مشکل ہوتا ہے. ایک وہ والی ایگزامپل بھی آ گئی کہ
क्या नाम है जी 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 सर, सारी रात है सर, मजे से दीजिए सारी रात। नहीं मतलब वो एक सिंगल लकड़ी होती है तो उसको ब्रेक करना बहुत इजी होता है, मेरे जहन में भी आ रही थी, उसके बाद मैं ये बोलता तुमने ये भी छीन लिया। नहीं मतलब सही है, मैं उठ जाऊँ हमेशा पहले आने का बहुत ज्यादा वो शौक होता था। तो ये चीज होती है कि सिंगल लकड़ी जो है ना एक बहुत जल्दी टूट जाती है, मगर जब वही लकड़ियाँ एक पूरे बंडल की फॉर्म में होती है ना तो उनको तोड़ना जो है ना बिल्कुल अनब्रेकेबल हो जाता है, वो बिल्कुल भी है ना उनको आप कोई तोड़ नहीं सकते। टुगेदर वी यूनाइट, टुगेदर वी यूनाइट एंड टुगेदर वी राइज, एंड टुगेदर वी राइज, टुगेदर वी आर अनब्रेकेबल। हाँ अनब्रेकेबल सही बिल्कुल। मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग देखें अगर कुछ और आ रहा है किसी के सेंस। कंक्लूजन कर दो, लीडरशिप पे बात हो रही थी, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि लीडर भी और दूसरे भी जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, एक चीज ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि या ये कह लें कि लीडर की एक क्वालिटी होनी चाहिए या हर एक मेंबर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि एक जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो कोई भी लीडर उसको सॉल्व कर रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल एक ओवैस ने एक फाइल है जो कि फाइल जो है उसने फाइनलाइज करनी है, ठीक है। अब उसने जो है वो फाइल मेरे पास भेजी, सही है कि भाई ये फाइल आप चेक करें, और मैंने उसको जो है उसके अंदर मैंने ओवैस को ये कहा है कि कभी भी आप डायरेक्टली नहीं भेजेंगे, पहले मुझे भेजेंगे, मुझे चेक कराएंगे, उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब ओवैस ने मुझे चीज़ चेक करा दी, मैंने उसमें एडिटिंग करके ओवैस को वापस भेजी, ओवैस ने आगे सेंड कर दी, ठीक है। अब ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ओवैस को नहीं पता मैं क्या एडिटिंग कर रहा हूँ, ओवैस को नहीं पता मैं एडिटिंग क्या कर रहा हूँ उस फाइल के अंदर। लेकिन अगर वही काम मैं एक बार ओवैस के साथ बैठ गया एडिट करके भेज दूँ तो मेरे वो एक स्टेप उसमें से कम हो जाएगा। सही। तो ये चीज़ भी एक टीम के अंदर होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे आती है मैं दूसरों को सिखाऊँ और जो चीज़ दूसरों को आती है वो मैं उनसे सीखूँ। उनसे सीखूँ। ये कैपेसिटी आप अपने अंदर रखिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जेलस नहीं होना चाहिए बल्कि मोटिवेट होना चाहिए और सीखना चाहिए सामने वाले से, शेम फील करना चाहिए कि जी अगर मैं पूछ रहा हूँ तो। लर्निंग का प्रोसेस क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि वो कभी खत्म ही नहीं होता है। यहाँ पे मैं यहाँ पर सरवलीद की बात ही से एक बात आगे करूँगा। जी सर, सरवलीद ने बोला जैसे कि अभी कि लाइक सिखा दें आगे किसी को ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर उसको कर सके। सेकेंड थिंग, अब इस सिखाने के लिए भी जो एक गुड लीडर है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की कि एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम का एक कोच है, अब उसने एजुकेशन तो बहुत हासिल किए, अब उसने एजुकेशन तो हासिल कर ली और एजुकेशन हासिल करने के बाद वो एक अच्छे ओहदे पे ही पहुंच गया, मगर जब तक उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उस चीज़ को उसने पर्सनली देखा हुआ नहीं है प्रैक्टिकली देखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिकल उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया नहीं है, सही, तो तब तक फिर वो एक गुड लीडर नहीं कहलाएगा। मतलब फिर वो अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम का लीडर है कोच ऐसा बंदा बना दिया जाए जिसने कभी क्रिकेट खेला ही ना हो, जिसको क्रिकेट के बारे में सिर्फ उसने लर्न तो किया हो, पढ़ा तो उसको, मतलब राइट तो किया हो, मगर प्रैक्टिकल ना हो, तो फिर क्या होगा कि वो फिर नहीं समझ पाएगा वो उसका जो टीम का मेंबर है, जो उसकी पूरी पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल एक टीम है उसका जो मेंबर है वो क्या चाह रहा है, मतलब उसको अब खेलने देना चाहिए नहीं खेलने देना चाहिए, मतलब आउट होगा आप ऊपर आ जाओ। तो लाइक ये भी एक गुड लीडर में मौजूद होना चाहिए कि पहले वो एक्सपीरियंस हो, सही, कि पहले उसने उस पर काम कर लिया और दैट इज़ उसको लीडर माना जा रहा हो कि भाई अब ये मेरा लीडर है, इसको एक एक्सपीरियंस है कि वो एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक सर, दैट इज़ ओके सर, सही, ठीक है सही। मैं रुका हुआ हूँ, आप लोग सोचें पहले। बहुत सारे लोग टीम हो जाएगी, मिल बांट के दे देंगे, ये एक टीम हो जाएगी, नहीं तो हमारे लीडर आज भी हमारे साथ मौजूद है, ठीक है। तो अच्छा जी, एडिफाई की यही हमेशा से जो है ना वो कोशिश रही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, जैसे कि जो आप लोग हमें सुन रहे हैं, अपने पास अपने पास आने वाले लोगों को, इदारे के साथ जो लोग शामिल हैं उन लोगों को जो है वो
उनके फ्यूचर पर मेहनत करती रहे, उनकी मोटिवेशन पर मेहनत करती रहे, ठीक है, वो उनको मोटिवेट करती रहे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने टीम एडिफाई का साथ देना है, एडिफाई का साथ देना है, ताकि हम लोग जो है वो ये मोटिवेशन जो है वो जारी रख सकें, आप लोगों तक अच्छी चीज़ें जो है वो पहुँचा सकें। टीम वर्क के बारे में, लीडरशिप के बारे में, रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल ने टीम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आज आप लोगों ने जो है वो सुन ली हैं। इस पर आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस जो भी कुछ होंगे हमें उनका इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा इसके बाद भी आपके फीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। इसी के साथ साथ मैं आपसे जैसे अक्सर सेशन में कहता हूँ कि जी आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट कीजिए ताकि हम उस पर भी आपसे बात कर सकें। आप लोग हमसे कनेक्ट रहेंगे, हमें बताते रहेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना, आप लोगों को भी हमें भी। तो यहाँ हम अपना सेशन कंक्लूड करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर पूछूंगा अपनी टीम से, कोई बात तो नहीं करनी ना आप लोगों ने, ठीक है, मैं ख़त्म कर दूँ, मुझे ज़्यादा से चुप बैठे में मतलब है बातें, मैं जबरदस्ती एंड कर रहा हूँ। नहीं जी, नहीं नहीं, हाँ सर, ठीक है ना जी। चले जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और अगले सेशन का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।